ये देखो भैया, ये है पुलिसकर्मी और बकायदा ये है आरएसएस के कार्यकर्ता। उठाया हेलमेट और दे हेलमेट भांज दिया। बकायदा भाई साहब पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिलाएं भी पीछे नहीं हटी, एक दो सैंडल भाई साहब उन्होंने भी लगा दिया। मतलब भैया आरएसएस के कार्यकर्ता हो तो पुलिस को मारने की पूरी छूट है। सड़क पर मारो, दौड़ा दौड़ा कर मारो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा भाई साहब पुलिसकर्मी ही सस्पेंड कर दिए गए। जैसा आपको बता दें कि मथुरा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बकायदा भाई साहब हेलमेट भांज दिया गया, साथ में दरोगा साहब तक सस्पेंड हो गए। शनिवार को आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज कुमार कुंभ क्षेत्र में देवराह घाट पर जमुना स्नान के लिए जा रहे थे। ऐसे वैसे नहीं जा रहे थे, बकायदा रेलिंग क्रॉस करके जा रहे थे। तो वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रोका कि साहब आप आगे नहीं जा सकते रेलिंग क्रॉस करके। इतने में भाई साहब नोकझोंक हो गई। पुलिस कर्मियों और संघ के पदाधिकारियों के बीच में भाई साहब नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बकायदा आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हेलमेट तक भांज दिया। भाई साहब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को तो खूब मारा, ऊपर से भाई साहब सस्पेंड तक हो गए। अब आपको इतनी बहुत जानकारी बताई दी है तो थोड़ी बहुत और सुन जाएंगे। मथुरा के वृंदावन कुंभ क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच शनिवार को नोकझोंक हुई। यह संघ के एक पदाधिकारी पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप है। वहीं चुकी चौराहे पर युवकों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब आ रहा है। साथ ही घटना के बाद आरएसएस, भाजपा और हिंदूवादी जैसे संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कोतवाली में जमावड़ा तक लग गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध जमकर नारेबाजी की। तत्काल अधिकारी एक्शन में आए और दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनका गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन फिलहाल मथुरा के लिए ABC24 की बरत पर चैनल सब्सक्राइब किए शेयर करना मत भूलिएगा। पर भाई साहब आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी तो प्रशासन और सरकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है।